Hello viewers, welcome to another video. In this video, we will discuss how MDCAT past paper MCQs of 2005 chemistry portion. तो पिछली वीडियोस हमने बहुत सारी अपलोड कर दी हैं डाओ के पास्ट पेपर्स पे. तो जिन्हा और डाओ पहले चार्ट पेपर कंडक्ट करवाए करते थे तो वो भी पास्ट पेपर पढ़े हैं सारे. जो डाओ ने अलग करवाए हैं वो भी पढ़े हैं, लेकिन डाओ मतलब बहुत कम ही पेपर अलग करवाए थे उसने. तो साथ वो दोनों साथ पेपर कंडक्ट करवाया करते थे. तो जितना हो सके दोनों के साथ वाले आप सॉल्व करो, क्योंकि दोनों के जो साथ टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होती है. तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट एमसीक्यू से. क्या बोल रहा है आज का फर्स्ट एमसीक्यू केमिस्ट्री का पोर्शन? व्हाट विल मेक एन इलेक्ट्रोलाइट? एक इलेक्ट्रोलाइट किस चीज़ से बनता है? आपने इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइट पढ़े होंगे ना, तो एक चीज़ मतलब क्या बनती है इलेक्ट्रोलाइट से, तो वो हमसे पूछ रहा है. तो वो बनता है साल्ट डिसॉल्व इन वाटर. केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ, ये तो बिल्कुल सादा सा क्वेश्चन है. केमिस्ट्री आप क्यों पढ़ते हैं, ये तो आप जब केमिस्ट्री पढ़ी होगी आपने 5-6 में तब से आपको पता होगा कि भाई केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं हम, बायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं हम, फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं. तो केमिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम केमिकल्स की स्टडी करते हैं. फॉर द बॉयल्स लॉ टू बी ट्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी फिक्स्ड. उसके लिए ना जो फिक्स्ड होता है वो होता है आइसोथर्मल, क्योंकि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. वॉल्यूम जब प्रेशर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है तब आपका टेम्परेचर वहाँ पे कॉन्स्टेंट हो जाता है. ये आपने बॉयल्स लॉ में पढ़ा होगा. तो वहाँ पे कौन सी चीज़ फिक्स हो जाती है? आइसोथर्मल. आइसो मीन सेम और थर्मल मीन टेम्परेचर. तो सेम टेम्परेचर हो जाता है या कॉन्स्टेंट टेम्परेचर भी आप बोल सकते हैं. तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए. क्लियर हो गया जी? तो इस हिसाब से हुआ. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स अबाउट फ्लोरीन इज नॉट ट्रू. फ्लोरीन के हिसाब से कौन सी चीज सही नहीं है? फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में. कितनी होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? वो होती है 4.0. ठीक है, या 4.3. तो 19 प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस नहीं होगा, ये गलत चीज़ है. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन टू कार्बन बॉन्ड. कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है? ठीक है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड ज़्यादा होते हैं ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं. तो C2H2. गैसेज आर गुड कंडक्टर्स. जो गैस होती है वो कहाँ पे गुड कंडक्टर होती है तो वो पूछ रहा है हमसे. तो वो हमारे हाई प्रेशर पर गुड कंडक्टर होती है. ओके जी, चलते हैं अब नेक्स्ट एमसीक्यू उसके जाने. विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन. कौन सी चीज़ है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाती है, बढ़ावा देती है? तो वो होती है रिड्यूसिंग एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन को भाई कम कर दे तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका मुसलसल बढ़ता चला जाता है ना. तो सब सी ऑप्शन करेक्ट है. बिटुमिनस कोल कैन प्रोड्यूस बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे लेकिन क्या चीज़ बनेगी? एक होती है कंस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, दूसरी होती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. जो लफ्ज़ों की ना हेर फार को समझ लेना, मतलब वो बोल क्या रहा है. तो कोल टॉर बनेगा, उसके हिसाब से कोल टीयर बनेगा. सॉरी, पीरियड थ्री एलिमेंट्स है. पीरियड थ्री जो एलिमेंट्स हैं उनके पास क्या होता है? सेम चीज़, मतलब कौन सी होती है? तो उनके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होता है. ये रिपीटेडेड क्वेश्चन है, डाओ ने पहले भी पूछा था किसी टेस्ट में. फिर वो कौन सी टेस्ट थी वो याद नहीं, लेकिन ये मतलब लग रहा था क्वेश्चन रिपीटेड. द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डैश प्रिंसिपल इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म ऑफ द पीरियड. लॉन्ग टर्म क्या होती है? सारों चीज, ये जो सारे हैं ना, एन प्लस एल रूल, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल ऑफ वो हुंस, ये सारे पढ़ना है. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है. इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपने देखे होंगे इस तरह के क्वेश्चन. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल रे भी मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन. काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली वर्ड यूज़ नहीं किया गया, यहाँ पर लीनियर वर्ड यूज़ किया. यू कैन सी दैट देयर इज द वर्ड विच इज़ यूज एज अ लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. तो इज करेक्ट ऑप्शन. देन हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया था. काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी डज नॉट स्टेट. कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी की वो कौन सी चीज़ पर मुफीद नहीं है? तो देयर इज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन देम. ये चीज गलत है. सो इज करेक्ट ऑप्शन. कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू. क्यों कैपिलरी रिएक्शन होता है? कैपिलरी रिएक्शन इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन. तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. सो ए हमारा जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, सरफेस टेंशन. नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? तो जैसे मैंने प्रीवियसली बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट होता है वो पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन है. ठीक है भाई, और सबसे जो ज़्यादा फ्लोरीन हो गया, सबसे जो कम है ना
वो है सीजियम। लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन का ऑप्शन नहीं है, लेकिन उसके बाद जो आता है वो क्लोरीन आता है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट रखने के लिए मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी, मोस्ट फ्लोरीन और लोएस्ट सीजियम। ओके हो गया जी। तो ये छोटी छोटी बातें अपने जहन में नशीन कर दीजिएगा ताकि आपको आसानी हो। उसके बाद ऑर्डर ऑफ विच पीरियड थ्री गैस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, पीरियड तीसरा, ठीक है, किसका मास ज़्यादा है, लाइक नाइट्रोजन का मास ज़्यादा होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, फिर क्लोरीन का ज़्यादा होता है, फिर आर्गन का ज़्यादा होता है। अभी मैं एक एक के मास नहीं बता रही, लेकिन प्रोडक्ट टेबल खोलें, अगर आपको ये सिंपल नहीं आ रहा ना तो प्रोडक्ट टेबल खोलें और मासेस को काउंट करें। लेकिन है बिल्कुल सिंपल, नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन, सॉरी नाइट्रोजन लेस, ऑक्सीजन मोर, क्लोरीन फिर आर्गन। व्हाट हैपन व्हेन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस आर डबल एट फिक्स्ड वॉल्यूम, तो वो क्या होता है, हमारा प्रेशर बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, हमारा प्रेशर डबल हो जाता है। जब आप नंबर ऑफ मोल्स को डबल करेंगे ना तो प्रेशर भी बढ़ जाता है। उसके बाद विच ऑफ दीज इज ऑर्गेनिक, कौन सी चीज़ है जो ऑर्गेनिक है। देखिए ऑप्शंस, बिल्कुल ये सादा सा क्वेश्चन है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अल्कीन इज द फर्स्ट, अल्कीन जो है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर जी हम अल्काइन की बात करते तो वो सेचुरेटेड होता है, सिंगल बॉन्ड होगा तो सेचुरेशन जाहिर करेगा, अगर जी डबल बॉन्ड होगा तो दे विल शो द अनसेचुरेशन। ओके, सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट टाइम से क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, वो कौन सा कंपाउंड या एलिमेंट है जिसके पास हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो हमारे पास वाटर होता है। बॉइलिंग पॉइंट अगर आपने पढ़ी होगी, अगर जी आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी होगी सही से, तो फिर तो आपके बाएं हाथ का खेल है भाई। द फर्स्ट अल्केन इज, थोड़ा सा ब्लर है इसलिए, द फर्स्ट अल्केन इज, फर्स्ट अल्केन कौन सा है, मीथेन होता है, ठीक है ना। उसके बाद डेंसिटी ऑफ मीथेन 27 डिग्री एट द 10-2 एटमॉस्फेयर प्रेशर। एक्चुअली इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो इसमें गिवन नहीं है, इसका क्वेश्चन की ऐसे ही मार्क्स दी गई थी। क्वेश्चन में जो ऑप्शन लिखा गया है ना वो बी लिखा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे बी शो करवाया है, लेकिन ऐसे चे गलत है। तो ये इसका मैंने सॉल्यूशन दे दिया है, आप देखें इसका आंसर तो करेक्ट नहीं आएगा उन ऑप्शंस के हिसाब से, लेकिन फिर भी आपको एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि किस तरह से इस क्वेश्चन का ऐसे सॉल्व होता है। तो डेंसिटी को मालूम करने के लिए होता है प्रेशर मास मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय आर टी, आर तो कांस्टेंट होता है, टी को हमने पहले ही निकाल दिया है क्वेश्चन की मदद से, और प्रेशर 2 atm है, मास 16 है, उसका मतलब फॉर्मूला वगैरह एलिमेंट दिए गए हैं वहाँ पर। तो इन सबको जब आप सम अप करेंगे तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आ गया 1.30। लेकिन ये ऑप्शन में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन की में बी था, इस क्वेश्चन का वैसे गलत करार दिया गया था। तो ये आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल सब्सटेंस, कौन सा मतलब कौन सी केमिकल चीज़ नहीं है या कौन सी केमिकल सब्सटेंस की बात नहीं की जा रही है, तो ये बेसिकली ये पूछ रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बॉइलिंग ऑफ वाटर इज नॉट अ केमिकल प्रोसेस। उसके बाद व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट द वाटर डेंसिटी, वाटर डेंसिटी के बारे में कौन सी चीज़ सही है, ये बुक में पॉइंट लिखी गई है कि इट इज़ मोर देन दैट ऑफ द आइस। उसके बाद डैश पीरियड कंटेन इक्वल एलिमेंट्स, कौन सा वो पीरियड है प्रोडक्ट टेबल में जो इक्वल एलिमेंट्स कैरी करता है, वो पूछ रहा है, तो वो होते सेकंड और थर्ड। उसके बाद द एलिमेंट्स विच है वो ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड, सिर्फ एक वैलेंसी, सिर्फ एक। तो क्वेश्चन आसान सा है, सिर्फ उसको समझो कि उसमें एक वैलेंसी अल्कली मेटल्स में होती है, ठीक है ना। द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेडिक्टेबल पोजीशन, कहाँ पे होती है हाइड्रोजन एटम की, एक बार पूछा गया था हीलियम की पोजीशन बताएं, तो इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं पहले भी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो डी है, वो स्टिल अनडिसाइडेड, मतलब अभी तक पता सही नहीं चला है। लिक्विफाइड पॉइंट ऑफ N2 गैसेस, लिक्विफाइड जो हमारे पास पॉइंट होती है नाइट्रोजन की वो क्या होती है, तो वो सी होती है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट टाइम से क्या आ गया, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज 80 डिग्री, डाउन प्रोसेस इट इज रिड्यूस्ड टू 60 डिग्री बाय यूजिंग। देखें ये ना SH इस बार सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए हम इसके डिटेल वर्जन में नहीं जा रहे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो करेक्ट ऑप्शन देखते हैं और चलते हैं हम नेक्स्ट टाइम से क्यूज की जाने, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा।
कैल्शियम क्लोराइड. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट ओनली अल्कली मेटल. कौन से वो सेट्स सिर्फ अल्कली मेटल को रिप्रेजेंट करते हैं? तो 4, 2, 4, 10 जो होते हैं ना वो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा. ठीक है जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. सो अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको किस तरह की वीडियोज़ चाहिए, आपको कैसी लगती हैं ये वीडियोज़. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.